की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना हवा का कम दबाव गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके और गहरा कर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेने की आशंका है। हवा के गहरे दबाव का कहर दक्षिणी अंडमान क्षेत्र और शहर पर पड़ा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। भारी बारिश और तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार के हेवलॉक आइलैंड पर 800 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। भारी बारिश से द्वीप में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अंडमान के उत्तरी और मध्य हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खराब मौसम के बावजूद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नौसेना के 4 जहाज फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं।